नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। बीजेपी आलाकमान की तरफ से यूपी के 2 दर्जन सांसदों के लिए बुरी खबर है। कितने ही लोग 2014 की मोदी लहर पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी इतिहास दोहराने के मूड में जरूर है, लेकिन इन सांसदों में से करीब 2 दर्जन को दोहराने को बिल्कुल तैयार नहीं। यानी यूपी के वर्तमान बीजेपी सांसदों में से कईयों का टिकट कटना तय है। यूपी बीजेपी संगठन ने इनकी सूची भी तैयार कर ली है, साथ ही ये पीएम मोदी और शाह के संज्ञान में भी है। आखिर क्यों चल रही है 2 दर्जन सांसदों के नाम पर कैंची, समझिए इस रिपोर्ट में। यूपी के नकारा सांसदों का होगा पत्ता साफ। 2019 के लिस्ट से गायब होगा दर्जनों सांसदों का नाम। मिशन 2019 के लिए बीजेपी का गहन मंथन। 2014 लोकसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन को यूपी में 73 सीटें मिली। कितने ही लोग तो ऐसे थे जो बिना कुछ किए धरे मोदी लहर में संसद पहुंच गए। सांसद तो बन गए, लेकिन जो उम्मीदें थी उनको पलीता ही लगाया। लेकिन इस बार बीजेपी आलाकमान ऐसे दर्जनों सांसदों को दोहराने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कुछ सांसद ऐसे हैं अगर उनको टिकट दिया तो हार का आधार बन सकते हैं। इसलिए लग रहा है कि 2019 में यूपी के लगभग 2 दर्जन सांसदों का पत्ता साफ हो सकता है। किन सांसदों का कट सकता है टिकट? ऐसे सांसद जिनके क्षेत्र में छवि ठीक नहीं, जिनको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जो सांसद पार्टी की कसौटी पर खड़े नहीं उतर रहे, जो सांसद बनने के बाद क्षेत्र में नजर नहीं आए, जिन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर उदासीनता दिखाई, ऐसे सांसद जिन्होंने पार्टी अनुशासन को तोड़ा और किरकिरी कराई, जिन सांसदों ने निकाय चुनाव में पार्टी उम्मीदवार का साथ नहीं दिया, जिन्होंने पार्टी और सरकार के कार्यक्रम और लक्ष्यों को पूरा करने में उदासीनता दिखाई, ऐसे दर्जनों सांसद हैं जिनके बारे में आलाकमान की राय है कि अगर इन्हें टिकट मिला तो पार्टी के हिस्से हार ही आएगी। कई सांसद तो ऐसे हैं जो आलाकमान की नजरों में चढ़े हुए हैं। धौरहरा सांसद रेखा वर्मा और महोली विधायक शशांक त्रिवेदी के बीच हुए विवाद ने आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही कई अनुशासनहीनता की घटनाएं सामने आई हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम ने सांसदों की कमियों को छिपा दिया, लेकिन निकाय चुनाव ने कई सांसदों की पोल खोल दी। कार्यकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर 2 दर्जन सांसदों की सूची तैयार। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने तैयार की सूची। ऐसे सांसदों के बारे में पीएम मोदी और अमित शाह को भी अवगत कराया गया है। हमें पूरी अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देगी। एक सशक्त सरकार केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिपीट हो, इसके लिए मतदान करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जितने प्रभावी ढंग से काम कर रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में जनता के बीच लोकप्रिय और प्रभावी लोगों को ही मौका देने की तैयारी है। कई विधायकों को क्षेत्र में मेहनत करने के संकेत दिए गए। ऐसे कई विधायकों को संसद पहुंचने का मौका मिल सकता है। योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी टिकट दिया जा सकता है। जिस बिरादरी के सांसद का टिकट कटेगा, नए उम्मीदवार भी उसी बिरादरी का। अगर जाति की बात फिट नहीं बैठी तो उसी जाति वर्ग के शख्स को मौका। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, और हम पूर्व योजना पूर्ण योजना के आधार पर किसी भी अपनी रणनीति के आधार पर चुनाव में जाते हैं। पार्टी को इसे लेकर यूं ही मंथन नहीं करना पड़ा। पीएम मोदी तक कई सांसदों से नाराजगी जता चुके हैं। सांसदों को केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जो जिम्मेदारी दी गई वो उसे पूरा नहीं कर सके। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा था कि कई सांसद मेरी गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं देते। ऐसे में साफ है मिशन 80 में बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और 2 दर्जन सांसदों का पत्ता साफ होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।